नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता के बारे में कि दोस्तों जो बेरोजगारी भत्ता है जिसके तहत यहाँ पर 3500 पर मंथ दिया जाना था हर विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी यहाँ पर ग्रेजुएट किए हुए हैं और उनके लिए अपने योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा, उनके लिए यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम किया गया था। लेकिन दोस्तों, यह किन किन को यहाँ पर मिलने वाला है संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, तो अब वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों, नए मेहमानों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल शिक्षा अकेडमी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी तरफ से नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आप हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आखिर जो 3500 रुपये पर मंथ है यह किन विद्यार्थियों को यहाँ पर देना प्रस्तावित है। तो आपके लिए बता दें, प्रदेश में जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएट कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा है और उनकी योग्यता के अनुसार यहाँ पर वर्क नहीं मिल रहा है, यानी कि दोस्तों ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो यहाँ पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी काम नहीं करता हो या फिर बेरोजगार घूमता हो, ऐसा कोई भी विद्यार्थी अभी फ़िलहाल तो मुश्किल है ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि उनकी योग्यता के अनुसार उनके लिए काम नहीं मिलता है तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम में लगी हुई है। जल्दी से जल्दी इसका भी घोषणा की जाएगी कि किन विद्यार्थियों को यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, ऐसे सभी विद्यार्थियों को मिलेगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं, उनके लिए यहाँ पर 3500 रुपये पर मंथ मध्य प्रदेश सरकार हर माह अब यह भत्ता देने वाली है। तो दोस्तों, यह जो जानकारी मैंने आपको बताई है 100% एकदम सही जानकारी है, इसमें कोई भी फालतू या फिर आपको ऐसा लगे ना जानने वाली जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये फेक न्यूज़ है। मैं बिल्कुल सभी इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने आपको यह जानकारी दी है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।